हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, माय सेल्फ पुष्पा शर्मा फ्रॉम रेडियंट पब्लिक स्कूल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इन क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। टुडे आई एक्सप्लेन द लेसन नंबर 4, द नाउंस। दिस इज आवर लेसन नाउंस। स्टूडेंट्स, यू नो ए नाउन इज ए वर्ड विच नेम्स ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ नाउन्स यानी कि संज्ञा के प्रकार। फर्स्ट कॉमन नाउन, सेकेंड प्रॉपर नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिफ्थ मटेरियल नाउन। देन आफ्टर स्टूडेंट्स आई एक्सप्लेन फर्स्ट कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसे ए कॉमन नाउन इज ए कॉमन नेम गिवन टू ए पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स विच आर ऑफ द सेम क्लास, काइंड और ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स इन द स्कूल। नेक्स्ट, द नेम्स प्रिंसिपल, स्वीट्स, स्टूडेंट्स एंड स्कूल कैन बी गिवेन टू एनी एंड एवरी प्रिंसिपल, स्वीट, स्टूडेंट्स और स्कूल। नेक्स्ट, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ए प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल, हेमा वेंट टू पेरिस टू सी द एफिल टावर। नेक्स्ट, द नेम्स ऑफ हेमा, पेरिस एंड एफिल टावर आर द नेम्स ऑफ ए पर्टिकुलर गर्ल, सिटी एंड बिल्डिंग रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट देखिए, रिमेंबर पॉइंट्स यानी कि यहाँ पर याद रखने वाली जो पॉइंट्स जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब ये प्रॉपर नाउन बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर, यानी कि जब कभी भी हम लोग प्रॉपर नाउन जो वर्ड यूज़ करेंगे वाक्य में, जो जिसको शुरू में ही आपका जो वाक्य का पहला अक्षर होता है कैपिटल लेटर होता है। सेकेंड, इफ़ ए प्रॉपर नाउन कंसिस्ट ऑफ टू और मोर देन टू नेम्स, ईच वर्ड टेक्स ए कैपिटल लेटर, यानी कि संज्ञा प्रॉपर नाउन में जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द संज्ञा में जो वर्ड्स यूज़ करते हैं दो या दो से अधिक, उसको शुरुआत दो अक्षर होते हैं उसको भी कैपिटल में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, वी नेवर यूज द बिफोर नेम ऑफ पीपल, कभी भी। सेकंड थर्ड पॉइंट में क्या है याद रखने वाली पॉइंट, ये है द का प्रयोग हम लोग कभी लोगों के नाम के वक्त नहीं करना चाहिए। थर्ड, कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। ये कलेक्टिव नाउन इज ए नेम गिवेन टू ए कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स कंसिडर्ड एज वन कंप्लीट होल। यानी कि समूहवाचक संज्ञा में क्या है, ये ग्रुप ऑफ पर्सन्स यानी कि समूह, लोग, व्यक्तियों का समूह, जानवर हो या चीज़ों का समूह के बारे में बताता है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई बॉट ए बुके ऑफ फ्लावर्स एंड ए बंच ऑफ बनानास फ्रॉम द मार्केट, यानी कि मैंने बाजार से फूलों का गुलदस्ता और केलों का गुच्छा बंच मैंने मार्केट से खरीदा है। ये आपका कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल। द वर्ड बुके स्टैंड फॉर ए कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स एंड द वर्ड बंच स्टैंड फॉर ए कलेक्शन ऑफ बनानास। नेक्स्ट आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। An abstract noun is the name given to a quality, idea, action or state which can only be thought or left but cannot be seen or touched. For example, Birbal was known for his wisdom. Next, the word wisdom is the name of a quality which we can neither see nor touch but can only think of. Remember, यहाँ पर भी आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रिमेंबर पॉइंट्स है, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन और अनकाउंटेबल यानी कि भाववाचक संज्ञा जो है जिसको कभी हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ये अनगिनत होता है। फिफ्थ, मटेरियल नाउन, इट मीन्स द्रव्यवाचक संज्ञा। ये मटेरियल नाउन इज द नेम गिवन टू ए मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ। एग्जाम्पल, ऑर्नमेंट्स आर मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। यहाँ पर मटेरियल नाउन में आपका मटेरियल जो है वस्तु हो जाती है, ठीक है। जैसे कि द नाउन्स गोल्ड एंड सिल्वर आर द नेम्स ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम
विच थिंग्स कैन बी मेड इट मी. नेक्स्ट रिमेंबर पॉइंट्स इसमें भी हैं. एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन में मटेरियल नाउन्स आर जनरली नॉट यूज इन द प्लूरल नंबर एंड आर्टिकल ए आर एन इज नॉट यूज बिफोर ए मटेरियल नाउन. यानी कि मटेरियल द्रव्यवाचक संज्ञा में वक्त ए और एन का प्रयोग नहीं होता है. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.